तो वहीं उसे प्रसन्नता प्राप्त हो जाती है, वहीं उसकी संतुष्टि प्राप्त हो जाती है। आप चाहे कितना भागा दौड़ी करते रहें जीवन में करते रहें, कई लोग होते हैं ना अपना बांध लेते हैं कि यहाँ 10 करोड़ कमा लिए तो खुशी मिलेगी, होता है ना कई लोग बांध लेते हैं, आज की परिवेश को देखकर लोग बांध लेते हैं, हमारे तो जीवन का लक्ष्य है 10 करोड़ रुपये इकट्ठा करना। अब आप याद रखिए, लोग सोचते हैं कि 10 करोड़ तक पहुंचेंगे तो खुशी होगी, कोई गारंटी नहीं है वहां पहुंचकर आपको खुशी मिले, क्योंकि खुशी लक्ष्य में नहीं है, खुशी रास्ते में है, क्योंकि आप जो रास्ता तय करके जा रहे हैं ना वो जीवन है, और वो निकल गया तो वो समय जो आपने वहां तक पहुंचने के लिए रात दिन कष्ट में बिता दिए, वो कष्ट में गया और वहां जाकर भी आपको कष्ट मिले ये भी कोई पक्का पता नहीं, वहां भी कष्ट मिल सकता है। इसलिए यात्रा में खुश रहना सीखें, लक्ष्य में नहीं। यहां प्रतिदिन की यात्रा जो भगवान ने आपको दी है इसे आनंद से काट लोगे तो वहां भी आनंद मिल जाएगा, लेकिन यहां बहुत ज्यादा परेशानियों से काटी होगी, वहां पर पहुंच गए तो भी आपको वो संतुष्टि वो आनंद की प्राप्ति नहीं होगी। किसी ने लिखा था, भैया पूरा जीवन लगाया, ये शरीर लगाया कमाने में, और जब खूब कमा लिया तो उसी शरीर को ठीक करने के लिए फिर दवाइयों में वो पैसा खर्च करना पड़ा, वो शरीर लगा कमाने के लिए, धन अर्जित करने के लिए, फिर धन मिला तो वो शरीर की हालत इतनी खराब हो गई कि फिर वही धन से फिर उस शरीर को ठीक करा रहे हैं, शरीर में रोग लग गए कभी कुछ कभी कुछ कभी कुछ, आपको ही नहीं सबको ही लग जाते हैं महाराज, ये शरीर का ये परिवर्तनशील है, रोगों से ग्रसित है, कहीं कुछ लगे कहीं कफ लग गया कहीं कुछ लगे, कोई ना कोई तो पीड़ा, ये बड़ी बड़ी बीमारी तो छोड़ो छोटे मोटे भी परेशान करते रहते हैं। फिर अंत में क्या, न शरीर रहता न पैसा रहता, क्या रहता है, जो आपने कुछ अच्छे समाज के कल्याण के लिए कार्य कर दिए होंगे, कुछ अपने लिए कर लिए होंगे, वो कार्य सत्कर्म जो भगवत नाम लिया होगा, जो सेवा अर्चना आपने यहाँ कर दी होगी, वही कमाई तो आपकी है, बाकी तो सब यहीं रह जाएंगे, ये जितने भी गांधी जी के नोट है बैंक में लॉक पड़े रह जाएंगे, ये बात अलग है कि पीढ़ी दर पीढ़ी भोगेगी उस पैसे को, लेकिन आपके तो कोई काम के नहीं है। आपका काम का क्या है, आपका काम है आपने लोगों, ये भी बहुत जरूरी है, भगवत मार्ग में आप आगे बढ़े, लेकिन अगर आपने संसार को कष्ट पहुंचाकर भगवत मार्ग चुना होगा तो आप बिल्कुल उसमें कभी शांति नहीं पाएंगे। ये नहीं कहा गया कि ईश्वर की प्राप्ति इस संसार से अलग होकर प्राप्ति की जा सकती, ऐसा सोचना मिथ्या है, हो ही नहीं सकती। जिसने संसार से ही प्रेम ना किया, प्रेम का अर्थ ये नहीं कि एकदम राग हो जाना, प्रेम मतलब किसी का दिल ना दुखे, ऐसा कार्य ना करें हमारी ओर से। हम सबको भगवत में जान करके जब हमारा भाव इतना प्रेम में बन जाएगा कि सब में भगवान का दर्शन हो रहा है तो वो हरि का भी दर्शन करने में सुलभ हो जाएगा। जिसने रात दिन लोगों को गालियां दी होगी वो ठाकुर जी को कैसे प्राप्त कर लेगा। अब भगवान तो नहीं दिखते ना, पर उन्हें देखा कैसे जाएगा, ये शरीर दिखता है लेकिन ये आत्मा नहीं दिखती, लेकिन इस शरीर के द्वारा ही उस आत्मा का भी बोध होता है कि ये शरीर को चलाने वाला भी वो शक्ति है जो अंदर बैठी है, जिसका कोई आकार नहीं है। उसी प्रकार ये संसार है, ये जो चल रहा है ना उसकी आत्मा में भगवान बैठे हुए हैं, जैसे हमारी आत्मा उसी प्रकार उनकी आत्मा। कहते हैं हम शरीर की आत्मा, हमारे शरीर की आत्मा है, और हमारी आत्मा के आत्मा कौन है, कृष्ण है, जो चला रहे हैं, जो उसे शक्ति दे रहे हैं। आत्मा अपने अंदर से प्रकाशित नहीं है, वो परमात्मा के प्रकाश से प्रकाशित है। ये शरीर आत्मा को प्रकाशित नहीं कर सकता, आत्मा इसे प्रकाशित करती है। तो वही वाली बात हुई कि ये हेलोजन है, सामने प्रकाश दे रही है, किसको प्रकाश दे रही है, मुझे दे रही है, इस माइक को दे रही है। अब ये थोड़ा ना कि माइक उसे प्रकाश दे देगा, नहीं दे सकता। ऐसे समझें कि ये रूमाल है, ये रूमाल को अगर मैं हाथ में लूंगी तो ये क्या है, ये धारण
हो गया इस पर, और ये जो नीचे हाथ धारण कर रहा है वो इसका धारण करने वाला है। लेकिन ये रूमाल सोचे कि मैं हाथ को धारण कर रहा हूं, क्या ये हाथ को धारण कर लेगा? अगर हाथ छूट जाए तो नीचे गिर पड़ेगा, इसके पास कोई स्थान नहीं है, आधार नहीं है। उसी प्रकार हमें अभिमान हो जाता है अविवेक के द्वारा कि हम ही सब कुछ कर रहे हैं, कोई हमारे ऊपर नहीं है, बल्कि ये अज्ञानता है। हमें वो परमात्मा धारण किए हुए जिसकी वजह से हम चल रहे हैं।